काजल, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम सिर्फ मेरी हो। दिल इंतजार हुआ है, ऐसा लग रहा है जैसे प्यार हुआ है, जैसे प्यार हुआ है। सैया छेड़ दे भी, ननद चुटकी ले भी, ससुराल के दाफू। नमस्कार, मैं हूं पल्लवी राय। आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। हमारे बगल में एक मुस्कुराता चेहरा आपको नजर आ रहा होगा। इनसे आप भलीभांति परिचित भी होंगे क्योंकि एक इससे पहले एक वीडियो था जो 1 मिलियन क्रॉस कर चुका है, यानी कि आप उस वीडियो को काफ़ी तसल्ली से देख रहे थे, उससे पता चलता है। तो हमारे साथ हैं दीपक दिलेर जी। इनके बारे में बताते वक्त मैं खुद नहीं समझ पाती हूँ कि वीडियो की स्टार्टिंग कैसे करूँ। बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं, जैसा आप देख रहे हैं उससे भी ज़्यादा प्रतिभा के धनी हैं। आपका बहुत स्वागत है दीपक जी। थैंक यू मैम। भारत एक नई सोच को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम दीपक दिले है, मैं आजमगढ़ से और रोलिया से बिलोंग करता हूँ। जी, आजकल आप एक नया चैनल बना लिए हैं। जी, हम एक चैनल बनाए, हमारे चैनल का नाम है हुनर का जुनून। हुनर का जुनून? जी, हुनर का जुनून। आ रहा है इतना जुनून अपने से, मतलब अंदर से आ रहे हैं, एक चाहत है ना मैम ये करने का, तभी आ रहा। जी अच्छा, कुछ गाना सुन लें आपको। हम लाख छुपाए प्यार, मगर दुनिया को पता चल जाएगा, लेकिन छुप छुप मिलने से मिलने का मजा तो आएगा। बहुत बेहतरीन। जैसे अलका जी, अलका जी, हसीना खबर है ये कैसा सर है, तुमसे मिलने के बाद दिलबर चैन खो गया है, कुछ तो हो गया है तुमसे मिलने के बाद दिलबर, हाँ तुमसे मिलने के बाद दिलबर। तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना, मैंने नहीं जाना तूने नहीं जाना, मैंने नहीं जाना तूने नहीं जाना। तेरे मेरे बीच में, तेरे मेरे बीच में मेरी राहें तेरी तक है, तुझ पे ही तो मेरा हक है, इश्क मेरा तू बेशक है, तुझ पे ही तो मेरा हक है। साथ छोड़ूंगी ना तेरे पीछे आऊंगी, छीन लाऊंगी या खुदा से मांग लाऊंगी। हम आशा जी का सुनते हैं। चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना सनम, बदल के मेरी तुम जिंदगानी, कहीं बदल ना जाना सनम। ले लिया दिल है मेरा, दिल है दिल लेकर मुझको ना बहलाना, चुरा लिया चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना सनम। मेरे तो सारे सवेरे बाहों में तेरी ठहरे, मेरी तो सारी शाम में तेरे साथ ढल रही है, मेरे तो सारे सवेरे बाहों में तेरी ठहरे, मेरी तो सारी शाम में तेरे साथ ढल रही है। बहुत बेहतरीन। बहुत, एक कोई आपका पसंदीदा गाना जो आप सुनाना चाहते हैं दर्शकों को? जो मेरी रूह को
चैन दे प्यार दे वो खुशी बन गए हो तुम, जिंदगी बन गए हो तुम। बहुत बेहतरीन। अगर आपको दीपक का हुनर देखना है तो हुनर देखना है तो हुनर का जुनून जो YouTube चैनल इन्होंने खुद बनाया है वहां पर आपको जाना पड़ेगा हुनर देखने के लिए। हुनर का जुनून चैनल का नाम है, वहां आपको पहुंचना होगा। क्या करते हैं आप उसपे? वीडियो अपलोड करता हूं अलग अलग, जैसे सिंगिंग, मिमिक्री, एक्टिंग, तीनों भी। मिमिक्री भी करते हैं जी? किसकी करें? जैसे अमिताभ बच्चन हुआ, और सुनाइए थोड़ा। जैसे अमिताभ बच्चन बोलते हैं भाई साहब देखे, अरे भैया देखे, आई हाँ, ये जो भारत की नई सोच है भाई साहब देखे, मैं पल्लवी जी से मिलने के लिए बहुत दूर से आया भाई साहब, और इस चैनल का भी नाम है हुनर का जुनून भाई साहब, उसको सब्सक्राइब कर देना। आई हाँ, जैसे हमारे सनी देओल जी होते बोलते ओए ओए काजल, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ओए तुम सिर्फ मेरी हो बाबू जी, अगर मुझे काजल नहीं मिली ओए सबको मार दूंगा, उठा उठा के भटकूंगा, फाड़ दूंगा, समझा कि नहीं बाबूजी? काजल से प्यार करता हूँ, सिर्फ काजल से। बाबूजी काजल को दे दीजिए, नहीं तो पटक वटक के मार मार के कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, और किसकी? और जैसे जो ऐसे आवाज निकालने की जो कोशिश करते हैं वो सबसे पहले नाना पाटेकर की ही कोशिश क्यों करते हैं? ऐसे वैसा नहीं आपने कोशिश किया कि ऐसे जैसे सिर पे ऐसे खुजली करते हो? नहीं करते, करते हैं, करते हैं जैसे नाना पाटेकर बोलते। अच्छा है, हाँ बहुत अच्छा है, एक मच्छर साला इंसान खुजड़ा बनाता है, तू कौन होता बीच में बोलना बोल। हाँ, आज भारत एक नई सोच पे आया हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा है। अच्छा, जब भी कोई मिमिक्री शुरू करता है तो नाना पाटेकर की आवाज ही क्यों वो सबसे पहले शुरू? वो जैसे सभी को, हम ही को प्रभावित करता ना। अच्छा, लोगों जी को अच्छा, लोगों को अच्छा लगता जी मैम, इसलिए। और है, और किसी की आवाज निकालेंगे? मिथुन जी की, जैसे मिथुन जी बोलते हैं ओए, अरे क्या, अरे अपन का नाम आई शंकर दादा है, समझा क्या, अरे भारत एक नई सोच पाया हूँ इंटरव्यू के लिए, समझा क्या। इनका नाम शंकर नहीं है, झूठ बोला इन्होंने, दीपक नाम है। मैं बता दूं दर्शकों को, मैं कसम, मैं तो डायलॉग बोला मैम, आप ऐसे क्यों कहना चाहते हैं? आते हैं, मतलब एक मेल जो होते हैं वो मेल की आवाज में गा दे तो समझ आ रहा है, फीमेल की आवाज में कैसे संभव है? जैसे मतलब सुर पतली चाहिए। हाँ, हमारे लिए तो संभव है मैम, प्रैक्टिस करता हूँ ना, कैसे करना तो। अच्छा, ऐसे गा सकते हैं क्या, कोई एक गाना हो जिसमें एक लाइन आप मेल सिंगर का गाएं, फिर एक लाइन फीमेल सिंगर का गाएं, फिर एक लाइन मेल, ऐसा गा सकते हैं? बिल्कुल, हो जाए फिर मजा आएगा, वो ज्यादा मजेदार लगेगा। पहली बार दिल्लियों बेकरार हुआ है, ऐसा लग रहा है जैसे प्यार हुआ है, जैसे प्यार हुआ है, अब तो बड़ा मुश्किल इंतजार हुआ है, ऐसा लग रहा है जैसे प्यार हुआ है, जैसे प्यार हुआ है। बहुत बेहतरीन। एक कोई और गाना है ये ऐसे ही से, जैसे रेशमा जी का जो गाना है, बिछड़े अभी तो हम बस कल परसों, जीऊंगी मैं कैसे इस हाल में बरसों, मौत ना आए
नहीं ये तो बोली नहीं, मैंने कहा एक और गाना जिसमें मेल फीमेल गाय से दोनों वर्जन है। अच्छा ये तो बेहतरीन लग रहा था, ये नहीं बोलेगा कि हमारे गाने की तारीफ नहीं, 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 नहीं। बहुत बेहतरीन ऐसे वाला ज्यादा मुझे वो लगता है कि एक गाने में आप तुरंत पिच बदल रहे हैं, तुरंत ही आप मेल की आवाज में गा रहे, फिर तुरंत फीमेल की आवाज में गाए। जैसे गाना चेहरा हीरा क्या देखते हो, बहुत बेहतरीन, थैंक यू। आप ऐसे किसी फीमेल में, फीमेल सिंगर की आवाज में गाना एक बड़ी बात है, लेकिन आप बता रहे हैं कि आप उन सिंगर की आवाज को कॉपी करते हैं, उस जैसा गाने की कोशिश करते हैं जिसमें आपने तमाम नाम भी हमें गिनाए। जैसे मैं अभी आपको बोलूं नेहा कक्कड़ की आवाज में कुछ। सुबह का चैन मेरा, शाम का सुकून है, प्यारे तेरा प्यार नहीं मेरा जुनून है, दर्द तुझे आकर आँख मेरी रोती है, जुदा होके मर जाएंगे हमें मालूम है, खुदा भी जब तुम्हें मेरे पास देखता होगा। बहुत बेहतरीन, थैंक यू मैम। एक गाना और जैसे उनका लता जी का हमारे। अच्छा लता जी, जी। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है। ये सिंगर की आवाज में आप गा रहे हैं, अब आप बताते हैं आप मिमिक्री भी कर सकते हैं, तो आपके साथ एक चैलेंज होगा अभी। अभी जैसे मान लीजिए आपने मिथुन जी की आवाज में एक कोई डायलॉग बोला, फिर तुरंत ही आपको किसी फीमेल सिंगर की आवाज में बोलना होगा, तो जैसे हमारे उसी लाइन को रिपीट भी कर सकते हैं, मतलब कि कोई एक डायलॉग आपने मिथुन जी की आवाज में बोला, फिर वही लाइन आप किसी फीमेल की आवाज में बोलेंगे, किसी फीमेल सिंगर या जो भी आप। जी जी, जैसे जैसे काजोल बोलती है, अरे यार बीच में बोलने का नहीं, हे सिमरन, अरे यार तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ, मेरी आंखों में आके डाल के कहो, अरे यार तुमसे मिलना चाहता हूँ, अरे यार सरसों के खेत में आ जाना सिमरन। ऐसा ही और जैसे हमारे मिथुन जी बोलते ओए, अरे क्या, अरे माँ कसम आप उनका नाम आई शंकर दादा, अरे समझा क्या, अरे अपन आया है भारत एक नई सोच पे, समझा क्या आई। जैसे हमारे कृष्णा कपूर जी बोलते हैं बाबूजी तुम मुझे छोड़ के जाना चाहते हो, रामा तुम मुझे छोड़ के मत जाओ ना रामा, मैं मर जाऊंगी रामा, तुम ऐसे क्यों जा रहे हो रामा, मैं मर जाऊंगी रामा। कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप बता सकते हैं कि आवाज कितनी मैच कर रही है, ना हम कौन होते हैं जज करने वाले, दर्शक जज करेंगे, तो कमेंट सेक्शन खुला रहेगा, प्यार भी देने के लिए और गाली भी देने के लिए, दोनों के लिए खुला है जी। हम और गाना सुनेंगे आपसे। और गाना जैसे हमारे रेखा भारद्वाज हैं बोलते हैं, गाते हैं ऐसे, सैया छेड़ दे बे ननद चुटकी ले बे ससुराल के दाफू, सास गारी दे बे देवर जी समझा दे बे ससुराल के दाफू, सैया है व्यापारी चल रे परदेश, सूरतिया निहारे ओ जियारा भारी होवे ससुराल के दाफू, सास गारी देवे देवर जी समझा देवे ससुराल के दाफू। श्रेया घोषाल। श्रेया घोषाल। सास में तेरी सास मिली तो मुझे सास आए,
मुझे सांस आए जब तक कोई होश संभाले होश उड़े तो उड़े जाने दे सांस में तेरी सांस मिले तो मुझे सांस आए मुझे सांस आए मुझे सांस आए। बहुत बेहतरीन। अच्छा पिछले वीडियो में आपने किसी फीमेल सिंगर की आवाज़ भी निकाली थी, अलका जी नहीं उनकी लता जी का निकाला। लता जी की हाँ वो भी समझिए। अच्छा नमस्कार, हमारा मतलब है हमने भारत एक नई सोच पे आई हूँ। मैं भारत एक नई सोच को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और पल्लवी जी को भी धन्यवाद करती हूँ। नमस्कार। ये तो एकदम मैच होता है मुझे लगता है एकदम। ये अगर तुलना की जाए तो 80% के आसपास लगभग मिलता है जी। और बाकी भी आप बहुत बेहतर कर रहे हैं, लेकिन एक गाना और सुनेंगे क्योंकि मैं बगल में अगर कोई गायिका टाइप कोई कलाकार टाइप बैठ जाए लोग तो जब तक वो खुद ना इशारा कर दें या उनके चेहरे से ना पता चल जाए कि वो इरिटेट हो रहा है तब तक मैं सुनती ही रहती हूँ। दिल के आंसू में बह गए हम वफा करके भी तन्हा रह गए दिल के अरमा आंसू में बह गए। बहुत बेहतरीन। तो दीपक का जो हुनर आप देख रहे हैं सुन रहे हैं वो अगर आप लगातार सुनना चाहते हैं तो ज़्यादा दिक्कत उठाने की ज़रूरत नहीं है। इनका खुद का एक चैनल है, आप वहाँ जाएं इनकी हुनर को हुनर का जुनून है। हाँ दोस्तों हमारे चैनल का नाम है हुनर का जुनून, उस पे जाइए और इंटरटेनमेंट का मजा लीजिए और सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू। मैं ये कहने वाली थी कि अगर आप इनके हुनर को और पसंद करना चाहते हैं देखना चाहते हैं उस पर प्यार लुटाना चाहते हैं तो इनके चैनल पर पहुँचिए, है ना, हुनर का जुनून। जी हुनर का जुनून। तो इनका हुनर कैसा लगा है ये आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। और वीडियो को क्लोज तो मैं कर ही रही हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन गाना एक आखिरी सुनूंगी और वहीं से ये वीडियो हो जाएगा खत्म, टाटा बाय बाय वाले स्टाइल में। तुम दिल की धड़कन में रहते हो, तुम रहते हो। ये आवाज फंस गई थी क्या कि या आपने ऐसा गाया? नहीं नहीं गाया मैं ऐसा, फंसी थोड़ी, मैं सोची कि ऐसे कैसे हो गया। अच्छा आप से जब भी मैं बात करती हूँ तो मैं उलझन में तो जरूर फंस जाती हूँ कि जैसे फ्रॉड आजकल लगातार बढ़ रहे हैं, स्कैम लगातार हो रहे हैं, वैसे ही एक फ्रॉड तो आप भी कर सकते हैं और करते ही होंगे, कौन जान रहा है। नहीं मैं इसलिए क्योंकि अब अगर कोई लड़का है अगर वो फोन पे किसी लड़की को दिल दे बैठे और पता चले इस तरफ आप हो, ऐसा हो सकता है क्योंकि आप गा भी रहे हैं फिर आप उस तरीके की आवाज़ भी निकाल रहे हैं फीमेल की, तो ये बड़ा दिक्कत है। तो मैं कहूँगी कि अगर आप इस प्यार व्यार के चक्कर में फंसना चाहते हैं तो एक बार देखाइए अपनी मोहतरमा को, कहीं वो मोहतरमा आपकी तरह ना निकल जाए। ये हो सकता है? नहीं हो सकता, ऐसा मैं नहीं करता मैम, पर ऐसा हो सकता है। हो सकता है लेकिन अच्छा थोड़ा लड़की की तरह बात करिए ना आवाज़ में। नहीं एक्चुअली ऐसा ना, मैंने कभी ऐसा किया नहीं हूँ। लेकिन करने की जरूरत क्या है? हाँ करने की जरूरत नहीं है लेकिन मैं ऐसे कर भी नहीं सकती कभी। करने की जरूरत नहीं, मत करो और क्या है। इनका हुनर आपको कैसा लगा है ये आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा और इनके चैनल पर आपको विजिट करने की जरूरत है, आप वहाँ पर जाइए, डिस्क्रिप्शन में हम इनके चैनल का लिंक भी देंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और यहाँ इतने दूर आने के लिए और हमें फिर से इंटरव्यू देने के लिए। थैंक यू। धन्यवाद। हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन पाइए सबसे पहले हमारे ऐप से। हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए और हमारे ऐप को इंस्टॉल करिए क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है।